हेलो स्टूडेंट्स, बैंक के इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि सपोज वी रिक्रूट यू इन द बैंक, बैंक में आपको टेलर की जॉब दी, कस्टमर आपके पास चेक लेके आता है और आपको चेक हैंड ओवर करता है, तो आपने उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने से पहले चेक को वेरीफाई या स्क्रूटनाइज करना होता है, तो क्या चीज़ आप देखेंगे बिफोर मेकिंग द पेमेंट? चेक को हाथ में आपके है, क्या क्या देखेंगे? तो आई विल टेल यू क्या क्या उसमें चेक करना होता है। सबसे पहले आप उसका अकाउंट नंबर चेक करेंगे कि अकाउंट नंबर सेविंग का है या करंट का है, तो अकाउंट नंबर लिखा होगा। फिर उसके बाद उसकी डेट देखेंगे। डेट देखनी होती है कि ये चेक वैलिड है। आपको पता है इफ़ द डेट इज़ 3 months ओल्डर देन टुडे, आज चेक आया तो इससे 3 महीने से पुराना चेक है, इट बिकम्स ए स्टेल चेक, उसकी पेमेंट नहीं होती। ये अगर पोस्ट डेटेड चेक है, मान लो कल की डेट है, टुमोरोज डेट पड़ी हुई है, 1 महीने बाद की डेट पड़ी हुई है, 6 महीने बाद की डेट पड़ी हुई है, इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक, उसकी पेमेंट भी नहीं होती। सो द चेक शुड बी टुडेज डेट और जो पुराना होगा बट लेस देन 3 months, देन वी विल बी पेइंग दैट चेक। फिर जो उसमें अमाउंट लिखा हुआ है, ₹1000 ओनली, वर्ड में लिखा है और फिगर में भी लिखा होता है 1000, 1000, ये दोनों मैच करने चाहिए, एंड इफ़ दे मैच देन आई विल मेक द पेमेंट, अदरवाइज मैं पे नहीं करूँगा। चेक में कोई अल्टरेशन तो नहीं है, कहीं कुछ चेंज किया हुआ है, 1000 लिखा है, 1 को काट के 2 लिख दिया। अगर कोई अल्टरेशन है, मटेरियल अल्टरेशन बोलते हैं इसको, अगर कहीं अमाउंट चेंज कर दिया या पेई का नाम चेंज कर दिया, इसको मटेरियल अल्टरेशन बोलते हैं। इफ़ देर इज़ अल्टरेशन, तो कस्टमर को हम कहेंगे इसको ऑथेंटिकेट कर दें बाई साइनिंग देयर, जहाँ पे चेंज किया वहाँ पे पूरे सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर करें, देन वी विल मेक द पेमेंट। अगर कोई थर्ड पर्सन चेक लेके आया और चेक में ओवरराइटिंग है, अल्टरेशन है, ऑथेंटिकेट नहीं हुई, देन वी विल नॉट मेक द पेमेंट ऑफ दैट चेक। एक चीज़ और देखनी है, चेक क्रॉस तो नहीं है। इफ़ देर आर टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइन्स ऑन द चेक, इट इज़ ए क्रॉस चेक। क्रॉस चेक की कैश पेमेंट नहीं होती, ये तो क्लियरिंग में थ्रू बैंक होगी, एक बैंक को पेमेंट होगी जो आपके अकाउंट में जमा करेगा। तो अगर क्रॉसिंग है देन कैश पेमेंट नहीं उसकी करनी। तो आपने सिग्नेचर वेरीफाई करने हैं, जो उस पर सिग्नेचर है बैंक के रिकॉर्ड में, जब उसने अकाउंट खोला था उस समय कौन से सिग्नेचर किए थे और चेक में कौन से किए, अगर वो टैली करते हैं, मैच करते हैं, तभी पे करना। तो डेट देखेंगे पहले, अकाउंट नंबर देखेंगे, उसमें बैलेंस है कि नहीं वो चेक करेंगे, सेविंग है करंट है वो चेक करेंगे। नंबर टू डेट चेक करेंगे कि डेट प्रॉपर है कि नहीं, कोई ओवरराइटिंग कटिंग तो नहीं है, मटेरियल अल्टरेशन तो नहीं है, वो अगर चेक करके देखा नहीं है तो पे कर देंगे। अमाउंट जो लिखा है वर्ड्स और फिगर में मैच करना चाहिए, वो भी देखेंगे। ये चीज़ें देख के अगर सब ठीक लगेगा तो अकाउंट को डेबिट करके को कस्टमर को पेमेंट कर दी जाएगी। होप यू हैव अंडरस्टूड कि कौन सी चीज़ें चेक पेमेंट से पहले की जाती हैं, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।